मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे अभी हाल ही में एक मूवी आई थी इफ यू हैवन वॉचड इट ऑलरेडी यू कैन डू सो फॉर द शियर प्लेजर ऑफ सिनेमा एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट डील्स विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक दैट इज इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉपशंस हेलो एवरी आई एम आंसर योर मेटोर एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस की इंडिया में हाउ डू अडोप्शन टेक प्लेस अब देखिए बहुत बार जो टॉपिक्स हैं दे आर सो इंटर रिलेटेड एंड इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई कि ये जो टॉपिक है ये जो लीगल डिस्कशन है ये कहाँ का ऑफ शूट है अगर अडॉप्शन की बात की जाए इट इज़ अ डायरेक्ट ऑफ शूट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द स्टेट इज डायरेक्टली कंसर्न विद The overall welfare and the development of children. If you closely look at Article 39, Article 41, Article 45, and Article 46, it has been constantly mentioned under those articles that the state is responsible for the overall welfare of the children. Uh, when we talk about the welfare of children, we are not discriminating that they should be. यू नोट देर शुड बिलोंग टू फैमिलीज और नॉट ओ वेदर नॉट दे आर ओरफंड वेदर और नॉट दे आर प्रिवलेज सो वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टिंगशन एंड देर फॉर ये जो स्टैचूट है ये जो पार्ट है हमारा डिस्कशन का या ये जो हमारी एजेंसी है दिस इज़ डायरेक्ट और शूट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं अगर वो जस्टिस नहीं हैं अगर दे कैनॉट बी हैविंग वेम देखिए बहुत सिंपल सी बात है वो डायरेक्टली इनफोर्सबल नहीं है लेकिन बाकी जितनी आपके स्टेटरी प्रोविजन हैं इन अ वे वो स्टेट को मैंडेटरी बना देते हैं कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन तो so, डायरेक्ट तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टैट्यूट्स हैं स्पेशली द वंस दैट डील विद द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द स्टेट वो सारे के सारे ऑफ हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बिकॉज क्लियरली मैंशनड है कि वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए द स्टेट हैज़ टू वर्क अब अगर अडोप्शन की बात की जाए कौन सी एजेंसी है दैट इज द सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या शॉर्ट में अगर कहें दैट इज कारा अब कारा है क्या कहा से आया है देखिए न्यूज में बहुत ज्यादा कब शुरू हुआ और हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है न्यूज में ये आया है स्पेशली आफ्टर द पैंडमिक गॉट ओवर बहुत सारे जो बच्चे हैं लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे दे लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स एंड दे डिड नॉट हैव टू लुक आफ्टर देम अब बहुत बार सोशल मीडिया पे भी हमने देखा होगा दैट पिक्चर्स वर फ्लोटिंग अलोंग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ सच चिल्ड्रन एंड अलोंग विद दैट इट वाज पुट अप उनकी सारी इंफॉर्मेशन वाज देयर टू टू एक्सेस यू नो इट वाज अवेलेबल फॉर द पब्लिक कि सो एंड सो चाइल्ड इज अवेलेबल For adoption, so and so child has been put up for adoption. But legally that is not the correct way to go about it. If any child has to be put up for adoption, or if any parent they have to adopt a child, they have to go through the relevant authorities, and that is where this topic. कारा का जो है सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस अब ये जो अथॉरिटी है इट इज़ द नोडल अथॉरिटी इन इंडिया फॉर द अडोप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन इन कंट्री इंटर कंट्री दोनों ही तरह के अडोप्शन यानी इफ समी इज फ्रॉम इंडिया द पेरेंट्स दे आर फ्रॉम इंडिया तो ऑफकोर्स इंडियन चाइल्ड को वो अडॉप्ट करते हैं दैट इज नोन एज इन कंट्री अडोप्शन जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है दे आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम अडॉप्टिंग इंडियन चिल्ड्रन एंड सच एन अडॉप्शन इज नोन एज इंटर कंट्री अडॉप्शन जो मैंने आपको मूवी का रेफरेंस स्टार्टिंग में दिया था मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे उसमें दोनों ही तरह के अडॉप्शंस इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडोप्शन से डील किया गया है एंड दैट्स वाई यू कैन रियली वॉच दैट मूवी नाउ इट्स अ स्टेचुटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट यानी गवर्नमेंट के अंडर ये डायरेक्ट जो है आपकी स्टेचुटरी बॉडी आती है

The authority chiefly handles the adoption of orphaned, surrendered and abandoned children through its recognized or associated adoption agencies. There are a lot of agencies which we will be covering today which function under function and they deal with the adoption of three kinds of children that is orphaned, surrendered and abandoned children. कारा वाउंडेड इन नाइनटी इट्स स्टैचुटरी बॉडी अंडर द जुबनाइल जस्टिस एक्ट ट्वेंटी फिफ्टीन देखिये अब अगर अडोप्शन की बात करें इंडिया में देर आर सम बेसिक प्रिंसिपल सम फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो एंड ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हियर इज द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड दैट इज प्राइम दैट इज़ प्रिमिटिव दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एक बच्चे के वेलफेयर से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कारा इट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद वेरियस अदर एजेंसीज ऑल्सो एंड ऑफकोर्स जो प्रेफरेंस है वो इंडियन पेरेंट्स को दी जाती है बट इट डज नॉट मीन दैट द फॉरनर्स या पी आई ओज या एन आर आईज या इवन जो फॉरन के जो पेरेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी जो कंपेरिजन है वो सोलली इस बेसिस पे होगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ पे बेटर है कहाँ पर रेस्ट करता है All the adoption should be registered on the child adoption resource information and guidance system, and the confidentiality of the same shall be maintained by the CARA. This is again very, very important. Confidentiality ka clause jo hai. It is really, really important. कौन सी एजेंसी कारा के अंडर काम करती हैं द वेरी फर्स्ट इज स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी जिसे हम सारा कहते हैं इट्स अगेन अ नोडल बॉडी विद इन द स्टेट टू मॉनिटर एंड प्रमोट अडोप्शन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर इन कोऑर्डिनेशन विद कारा द नेक्स्ट इज स्पेशन एजेंसी दैट इज एजेंसी रिकग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अडोप्शन यानी दिस कैन बी अ प्राइवेट एजेंसी लेकिन इट हैज टू बी रिकोगनाइज बाय द सेंट्रल अथॉरिटी कारा के थ्रू जो है इसको रिकोगनेशन मिलनी होनी चाहिए एंड ओनली देन इट कैन फंक्शन द नेक्स्ट एजेंसी इज ऑथोराइज फॉरन अडोप्शन एजेंसी दिस इज़ अ फॉर सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथोराइज्ड बाई कारा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेश फॉरन कंट्रीज एडोप अथॉरिटी अब जहाँ पे इंटर कंट्री अडोप्शन की बात आती है एनी एजेंसी एनी फॉरेन एजेंसी दैट हैज़ बीन प्री अप्रूव्ड और रिकोगनाइज बाय कारा दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल यानी वो भी एलिजिबल है इन एंड दे कम अंडर kara only that functions as an agency for adoption under kara only

डीसीट इज यूनिटेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे ही आइडेंटिफिकेन हो जाती है एज टू हुर दिल्ड्रन आर ओरफन और सरेंडर्ड और अबेंडेंड बाई देयर पेरेंट्स देखिए नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी टू लीगली अडॉप्ट चाइल्ड इन इंडिया अभी जितनी भी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स क्यों बनाए गए हैं बिकॉज एज यू आर अवेयर चिल्ड्रन आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड द मोस्ट प्रोन टू सेक्सुअल अब्यूज प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड लेबर एंड दैट्स वाई वी हैव दीज हार्ड एंड फास्ट एलिजिबिलिटी रूल्स रिगार्डिंग अडोप्शन इन आर कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सच चिल्ड्रन ठीक है जी इफ इफ समी इज अ सिंगल पेरेंट और अनमेरिड कैन दे अडॉप्ट सिंगल फीमेल अडोप्ट कर सकती है या नहीं सिंगल मेल अडॉप्ट कर सकता है या नहीं अगर कपल अडॉप्ट कर रहा है अफकोर्स इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द वेरी नेचर ऑफ दिस एक्टिविटी कि देर शुड बी अ गुड नंबर ऑफ इयर्स अ गुड नंबर ऑफ डिफरेंस इन द एज ऑफ द अडोप्टेड चाइल्ड एंड द अडोप्टिंग पेरेंट तो वो सारे क्या रूल्स हैं क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन टू टेक दम वन बाय द वेरी फर्स्ट इज दैट दे शुड भी फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल फाइनेंशली केपेबल एंड मोटिवेटेड टू अडोप्ट अ चाइल्ड देखिए बहुत सिंपल सी बात है स एक चीज है कैपेसिटी कैपेबिलिटी इज इन अनदर थिंग आप लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर यू डोंट है स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हाउ आर यू गोइ चाइल्ड एंड दैट इज अज रिस्पॉन्सिबिलिटी you don't engage the child in any uh, you know child labor ya yeah, prostitution ya yeah, trafficking in order to avoid that the government ensures that you have a stable uh, financial सोर्स आपका जो इनकम का सोर्स है वो आपके पास एक स्टेबल होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उठा सकते हैं दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स यू शुड बी फिजिकली मेंटली इमोशनली आल्सो अवेलेबल टू द चाइल्ड बिकॉज रेजिंग अ चाइल्ड देयर हैज बीन अ संग इन इंग्लिश यू नो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड नाउ अफकोर्स लिटरली एक विलेज नहीं चाहिए बट यू एज अ पर्सन शुड बी कैपेबल इनफ फिजिकली मेंटली इमोशनली टू रेज दैट चाइल्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू नीड यू ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नेक्स्ट इज इफ प्रस्पेक्टिव पेरेंट्स सैटिस्फाई ऑल अदर क्राइटेरिया फॉर अडॉप्शन दे केन अडॉप्ट इिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैरिटल स्टेटस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द अडोप्शन ऑफ एनी चाइल्ड बिकॉज ऑफकोर्स अ चाइल्ड नीड्स बोथ इट्स पेरेंट्स लेकिन बहुत बार बहुत से सिनारियों में एग्जाम्पल के तौर पर इफ इट्स अ सिंगल फीमेल जब भी आप सिंगल फीमेल एज एन अडोप्टिड पेरेंट सोचते हैं द वेरी फर्स्ट नेम एटलीस्ट इन माई माइंड दैट कम्स इज सुष्मिता सेन नाउ इन माई व्यू पॉइंट अफकोर्स शी इज़ अ केपेबल पेरेंट बिकॉज शी इज फाइनेंशियली स्टेबल शी इज फिजिकली मेंटली इमोशनली स्टेबल एंड अवेलेबल टू द चाइल्ड एंड शी कैन वेरी वेल रेज इन फैक्ट शी हैज वेरी वेल रेज टू गर्ल चिल्ड्रन तो मैरिटल स्टेटस की जब भी बात आती है इफ़ द पेरेंट्स पेरेंट्साई ऑल द अदर क्राइटेरिया देन देर मैरिटल स्टेटस कैन बी इग्नोर्ड ठीक है जी नेक्स्ट आपका पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट अ सिंगल फीमेल इज एलिजिबल टू अडॉप्ट मेल और फीमेल चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो एक सिंगल फीमेल जो मदर बनेगी अडोप्टिव मदर या अडोप्टेड मदर जो बनेगी शी कैन अडोप्ट अ मेल और फीमेल चाइल्ड लेकिन ऑन द अदर हैंड अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइंग प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सेक्सुअल अब्यूज ट्रैफिकिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन में कहीं वो बच्चा ना चला जाए ना भेज दिया जाए उसको इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट दीज टू प्रोविजंस हैव बीन मेड तो सिंगल फीमेल इज इलिजिबल टू अडॉप्ट मेल और फीमेल चाइल्ड लेकिन सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ अ चाइल्ड। अब इन द द केस ऑफ़ ऑफ़ कपल अडॉप्टिंग, कंसेंट बोथ पार्टनर्स इज़ नेसेसरी। सपोज द फादर वांट्स टू अडॉप्ट द चाइल्ड लेकिन द मदर यानी जो अडॉप्टेड मदर होगी शी इज नॉट विलिंग, शी इज नॉट प्रिपेड फिजिकली मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से

And of course, I do not mean to hurt anyone's sentiments. If you already have four children, what are you going to do with the fifth one? Adoption ka jo process hai. It has been mandated so that the child finds a home and the parents find a child. If you already have four children, you have been prohibited from adopting the fifth one. The last or the next point is the minimum age difference between the child and either of the prospective adoptive parents must not be less than 25 years यानी एक पेरेंट और जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उनके बीच में जो एज डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी मोर देन 25 फाइव दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ एज फार एज द एज डिफरेंस इज कंसर्न दिस अगेन अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोविजन विच वी हैव टू कीप अकाउंट देखिए एज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिड पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी काउंटेड फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेटिव अडोप्टिड पेरेंट्स जो अपलाई फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप शेल भी एज अंडर यानी जिस दिन रजिस्टर होती है अडोपशन उस डेट को पेरेंट्स की क्या एज है और बच्चे की क्या एज है वो देखी जाएगी न लेटस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दो बच्चा है अडोप्टेड चाइल्ड अगर उसकी एज फोर या लेस देन फोर इयर्स की है तो दोनों पेरेंट्स की जो एज है क्यूमुलेटिव यानी मिला के इट शुड नॉट बी मोर देन 90 इयर्स यानी अल्टीमेटली डिफरेंस क्या आ गया कि एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो 45 इयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट अगर बच्चा चार से आठ साल का है क्यूमुलेटिव जो इयर्स हैं दोनों पेरेंट्स के एक साथ 100 इयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए यानी एक पेरेंट की जो एज है अगेन इफ यू डू द मैथ्स एट लीस्ट 50 तो होनी ही चाहिए एंड इफ द चाइल्ड इज अबव 8 अप टू 18 इयर्स यानी 18 साल तक के बच्चे जो हैं अडॉप्ट किए जा सकते हैं लेकिन क्यूम्युलेटिव जो एज है मैक्सिमम जो हो सकती है पॉसिबल दैट शुड बी

Uh, that child is either orphaned or abandoned or surrendered by the parents you can sign up such a child for the adoption process and last may child or children of the spouse from an earlier marriage surrendered by the biological parents for adoption by the step parent yani jo step parent hai they also have to adopt the child जस्ट बाई वर्च्यू ऑफ दट मैरिज देम द पेरेंट ऑफ सच अ चाइल्ड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब अगर प्रेफरेंस की बात की जाए कि अडोप्शन में किसको प्रेफरेंस मिलती है अफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू काइंड ऑफ अडोप्शन द फर्स्ट इज इन कंट्री एंड द नेक्स्ट इज इंटर कंट्री अगर दोनों ही तरह के पेरेंट्स अवेलेबल हैं सपोज इंडियन पेरेंट्स आर आल्सो देयर, फॉरेन पेरेंट्स आर आल्सो देयर, तो प्रेफरेंस किसको मिलती है दैट इज द टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विद अब वी हैव टू फॉलो द हेग कन्वेंशन उसके जितने भी प्रोविजन हैं ऑफकोर्स वी आर फॉलोइंग जो प्रेफरेंस है वो इंडियन पेरेंट्स को ही मिलती है बिकॉज द चाइल्ड इज एन इंडियन ठीक है जितने भी प्रिमिटिव इयर्स हैं बच्चे के वो इंडिया में गुजरे हैं तो प्रेफरेंस जो है वो इंडियन पेरेंट्स को दी जाती है बिकॉज देन इट गेट्स ईजी फॉर द चाइल्ड टू ब्लेंड इन ऑफ कोर्स अगर वो ऑप्शन नहीं है द चाइल्ड फाइनली मूव्स फ्रॉम द इन कंट्री लिस्ट टू द इंटर कंट्री लिस्ट एंड देन ही ही और शी इज अप फॉर अडोप्शन बाय द फॉरन पेरेंट्स कितने टाइम के बाद द चिल्ड्रन मूव फ्रॉम द इन कंट्री टू द इंटर कंट्री अडोप्शन लिस्ट देखिए सिक्सटी डेज के बाद मूव करता है बच्चा अगर द चाइल्ड इज बिलो फाइव ऑफ एज थर्टी डेज के बाद मूव करता है इफ द चाइल्ड इज अब फाइव इन ऑफ एज और इज अ सिबलिंग यानी उसका ऑलरेडी भाई या बहन है जो कि ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका है ठीक है जी एंड द लास्ट इज पंद्रह दिन के बाद इंटर कंट्री एडॉपशन लिस्ट में एंटर करेगा बच्चा इफ़ द चाइल्ड हैज़ एनी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी तो इन कंट्री और इंटर कंट्री अडोप्शन बोथ आर डिफरेंट इन कंट्री ऑफ कोर्स इंडियन पेरेंट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं एंड इंटर कंट्री लिस्ट में द चाइल्ड इन अकोर्डिंग अब देखिए अडोप्शन की या प्रोसीजर की अगर बात करें क्या प्रोसीजर रहता है मैंने आपको शुरुआत में ही एक एग्जाम्पल बताया दैट स्पेश पैंडमिक पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉट ऑफ चिल्ड्रन इट वॉज फ्लोडिंग ऑन द इंटरनेट इट वॉज आउटर ऑन सोशल मीडिया And you know, there were, I mean, it, it just, uh, they just get prone to predators or uh, sexual abusers, and that is not the way to go about it. अगर देर इज़ अ चाइल्ड हु इज अवेलेबल टू बी अडोप्टिड ही हैज़ टू बी साइंड अप फॉर इट एंड ऑफ कोर्स द पेरेंट्स हु आर विलिंग टू अडोप्ट अ चाइल्ड दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद कारा दे आल्सो हैव टू साइन अप यू नो फॉर द होल प्रोसेस तो ऐसे ही अगर आपको फेसबुक uh, पे या इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे या कहीं कहीं भी किसी न्यूज लेटर में ऐसे अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ नॉट द लीगल वे टू गो अबाउट इट एंड इट जस्ट और कुछ तो नहीं बट द चाइल्ड गेट्स प्रोन टू यू नो क्रेडिटर्स बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अब्यूज आउट देयर सो दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट द राइट प्रोसीजर इज दिस दैट द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट शुड बी रजिस्टर्ड स दैन द स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी दे कंडक्ट होम स्टडी रिपोर्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अडोप्टेड अडोप्टि पेरेंट जो पेरेंट्स हैं उनकी भी बाकायदा प्रॉपर इंटरव्यूज उनका घर कैसा है वट इज द फाइनेंशियल स्टेटस लाइक स्टेबल इनकम का सोर्स है या नहीं दोनों पेरेंट्स का कंसेंट है या नहीं ऑल ऑफ दीज थिंगस आर टेकन इन टू अकाउंट इन द होम स्टडी रिपोर्ट और फिर वो डेटा जो है अपलोड हो

तो वो उनको रीजंस के साथ इन्फॉर्म किया जाता है द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स कैन रिजर्व फ्रॉम 1 टू 6 चिल्ड्रन फॉर एडॉप्शन एक से छः बच्चे वो एक बार में अडॉप्शन के लिए रिजर्व कर सकते हैं उसके बाद दे फाइनलाइज द चाइल्ड फाइनलाइज करने के बाद अगर अडॉप्शन नहीं कैरी आउट होता है तो सीनियोरिटी लिस्ट में उनका जो नंबर है वो नीचे आ जाता है ठीक है जी uskebad of course then the parents take in the child for pre-adoption foster care and the ssa files the petition in the court and the court issues the adoption order and uskebad of course Post-adoption follow-ups are also there in order to ensure ki jo, uh, child hai, he or she is in the right hands, hai, uska jo welfare hai, that is being carried out, and there's nothing of the sort ki, koi abuse, hai, ya, trafficking hai ya, hi uh, the child is under any sort of distress that is not happening with the child, and in order to ensure that post-adoption follow-up for a period of two years is. Carried out. So that was uh, the basic uh, part, the basic provisions uh, related to CARA. We have covered one of the most important topics as far as uh, legal examinations are concerned. If you have any sort of doubts, please let us know in the comments below and of course, like, share, and subscribe.